हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो मेरे पास अभी दो टेंट्स है फिलहाल, अर्थनास 2 प्लस जो कि मैंने इसके पहले खरीदा था, इसका भी रिव्यू आपको देखना है तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, लिंक ऊपर के कॉर्नर पे आ रहा होगा। एंड दिस इज माय न्यू टेंट व्हिच इज द वाइल्डक्राफ्ट 4% टेंट। यस आई गॉट अ 4% बिगर टेंट नाउ। So I have a few camping and cooking plans in the remote northeast here, Demboim बोल के एक जगह, मैप्स में नहीं मिलेगा, सर्च करना छोड़ो, मत सर्च करो। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, Urbanas 2 Plus का ये टेंट, I used it for more than 3.5 years approximately, और ये जो Wildcraft का टेंट, I just purchased it, आज ही आया ये Amazon India से, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So this was a 2 Plus टेंट, यानी कि दो लोग यहाँ पे रह सकते हैं, उसके साथ लगेज भी कैरी कर सकते हैं। एंड दिस इज अ 4% टेंट, या तीन लोग रह सकते हैं, बाकी एक जगह पे एक लोग की जगह पे आप लगेज रख सकते हो टेंट के अंदर। सो आज हम लोग वाइल्डक्राफ्ट 4% टेंट का रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली रिव्यू करने से पहले मेरा एक कंपैरिजन वीडियो यहाँ पे यही से शुरू होता है कि अर्थनास का जो ये इसका टेंट का साइज है, दिस इज नैरो, पैक करने के बाद ये काफी नैरो हो जाता है, लेकिन हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। वाइल्डक्राफ्ट के टेंट अगर आप देखोगे तो पैक्ड हालत में, ये भी देखना जरूरी है कि पैकिंग हो जाने के बाद कितना स्पेस लेता है ये आपके बाइक पे या गाड़ी में, कितना स्पेस लेता है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली वाइल्डक्राफ्ट का जो टेंट है वो थोड़ी सी पैक करने के बाद हाइट में थोड़ी सी कम है, इसका जो अर्थनास का जो टेंट है वो हाइट में थोड़ी सी ज्यादा है, बट दिस इज नैरो वन। आप देख पा रहे हो ये काफी नैरो जगह में आ जाता है, ये थोड़ी सी मोटा है। जनरली दिस इज अ 4% टेंट, तो इसको और भी भारी और मोटा होना चाहिए था। Anyways, the other good thing is that Wildcraft का ये टेंट एक टेंट बैग में आता है, तो अलग से आपको बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है, यही काफी है आपके लिए। थोड़ी सी वेट तो ज्यादा है ही, दिस इज अराउंड 3.5 किलो और ये कुछ 1 किलो कम है, स्पेक्स आपको दिख जाएगा आसपास। Anyways, ये वाला वीडियो कंपैरिजन नहीं है इन दो टेंट के ऊपर, rather a review of this tent। पहले भी मैंने कहा अगर आपको ये टेंट परचेज करना है या इस टेंट का फुल डिटेल में रिव्यू देखना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहां पे इसका डिटेल्स भी दिया रहेगा, इसका लिंक परचेज लिंक्स वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। तो चलो ऊपर चलते हैं और ये बाइक का टेंट को यहाँ पे खोल नहीं सकते क्योंकि माई हॉल इज नॉट बिग एनफ फॉर दिस टेंट, प्रोबेबली 4% टेंट है। तो लेट्स गो अप और छत पे जाके ये वाला बाइक का टेंट खोलते हैं। ओके, सो बारी है वाइल्डक्राफ्ट की रिव्यू। पहली बात तो ये है, आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे डेकैथलॉन या कोचवा का टेंट्स या अर्पनास कोचवा इन सब का टेंट्स का रिव्यू देख पाओगे, लेकिन वाइल्डक्राफ्ट मेक्स गुड प्रोडक्ट्स बट देन इनका इतना रिव्यू मिलता नहीं है। सो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल इसको खरीदने से पहले। ओके, बातें कम, इसको जल्दी से खोलते हैं और लगाते हैं। बैग इज प्रीटी गुड बाय द वे, काफी अच्छा बैग दिया हुआ है, तो साइड में रखते हैं। This is the ground sheet. Ground sheet. इसके अंदर poles हैं, fiberglass के poles. Ground sheet यहाँ पे रखा मैंने। पहले तो let's look at the area of the tent. बहुत ही size में बड़ा है ये। Wow man. काफी बड़ा साइज में, मतलब चार लोग आप इसका एरिया देख के समझ सकते हो, तो इसका साइज देख के तो आराम से मैं बता सकता हूँ चार लोग आराम से सो जाएंगे, हट्टे कट्टे चार लोग आराम से सो जाएंगे। एंड इसके बाद मेरा एक एयर मैट्रेस खरीदने का प्लान है, तो वो आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एनीवेज, पहले तो इस टेंट को पहले पिच कर लेते हैं। इस टेंट का एक ही एंट्री पॉइंट है, तो आपको वो ध्यान में रख के टेंट पिच करना पड़ेगा। Now time to take out the fiber glass की poles। यहाँ पे पता नहीं कितने सारे हैं। वैसे इस टेंट को लगाने के लिए तरीका एक ही है, मतलब अगर आपने कछुआ का टेंट लगाया हो तो तरीका एक ही है, जैसे कि ऐसे फाइबर ग्लास का पोल्स मिलता है, इट्स जनरली फोल्डेड लाइक दिस। फाइबर ग्लास का जो पोल्स होता है वो कुछ इस तरीके से फोल्डेड रहता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, यू हैव टू टेक ओवर ईच ऑफ दिस स्टिक्स और आगे जाके आपको एक इलास्टिक का चीज मिलने वाला है, ये स्नैप इन कर जाता है इस तरीके से, कुछ देख पा रहे हो। तो ठीक उसी तरीके से हर एक पोल को पहले स्नैप ऑन करवा लो, एंड दिस बिकम्स ए प्रिटी लॉन्ग स्टिक। या अकेला ऐसे टेंट पिच करने में थोड़ी बहुत मुश्किल तो होता है, बट देन इफ यू गेट यूज्ड टू इट, यू प्रिटी श्योर
आप टीम में बढ़िया काम करोगे वेल पिचिंग द टेंट्स। इसमें काफी अच्छा चीज दिया हुआ है ये टेंट हुक्स। वेचुआ का अल्पनास टेंस में देयर यूज टू बी सम स्ट्रिंग्स जो कि आपको बांधना पड़ता था। यहाँ पे आप देखो नजदीक से, यहाँ पे आप देखोगे नजदीक से देयर आर प्लास्टिक हुक्स लाइक दिस जो कि ऐसे करके पुश कर सकते हो। सो दिस इज ए मच इजियर फीचर देन द क्वेचुआ वन। हेलो ना फिजेता, ওটা তো দড়ি গুলো বন্ধ তো আই দিয়ে ভালো ওটা পপপল লাগি না। अभी अगर बारिश शुरू हो गया ना हम तो गए टाउन से। खड़े हो जाए जैसे कि मैंने कहा अकेला ये टेंट पिच करने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होता है लेकिन इट्स ओके दादा। हेलो एट अ टेंट रिव्यू एंड पिचिंग आई विल कैंपिंग टू द मो। अरे वाह एवर टुडे दैट अरुणाचल दिखे बहुत फ्रोली। अरे वाह so the tent looks something like this and this is the basic structure of the tent. Pitching this tent is nearly same to any quechua or decathlon tents jo aapne iske pehle pitch kiya. So tent pitch karne ke baad ye hai samne wala cover. This is just the basic structure of the tent jo ki dekhne mein kafi sahi lagta hai aur ek mazedar cheez bhi hai andar jo aapko ek ek karke dikhayenge. And so is tent ko pitch karne ke liye aapko jo poles milta hai fiber glass ka usme dekh lena सेम साइज का मतलब पर पोल सेम साइज का एक अलग पीस होता है और पर पोल थोड़ी सी शॉर्टर साइज का एक अलग से है। तो यू विल गेट टू ऑफ दिस एंड वन ऑफ दीज ठीक है। तो इसको लगाना है सामने से क्योंकि हम बाद में देख लेते हैं। विल कीप दिस लेटर फॉर नाउ। लेट्स स्प्रेड द फ्लाई शीट। ये सामने वाला पोर्शन एकदम सामने रहने वाला है बाकी का जो हिस्सा है सामने वाला पेग भी लगाना जरूरी है उसके साथ ही वो गेट ए बंच ऑफ रोप्स टाइड डाउन। विंडी हुआ उस जगह पे रह रहे हो तो यू गेट अ बंच ऑफ रोप्स एंड यू गेट क्वाइट अ फ्यू पेग्स टेंट पिच करने के लिए। ये पेग्स तो अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ नहीं सकते। एनीवेज देयर आर दे हैव गिवन क्वाइट अ फ्यू पेग्स व्हिच इज जस्ट मोर देन एनफ। दैट्स अबाउट द होल टेंट सेटअप। तो आफ्टर पिचिंग दिस टेंट दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको पिच करने में ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है। आई मीन द पिचिंग एफर्ट इज नियरली इक्वल टू द अर्पनास 2 प्लस और एनी अदर अर्पनास क्वेचुआ टेंट दैट यू पिच। बहुत ही सिंपल पिचिंग है। इसके सामने और एक ऐसे जो कि आप इस तरफ आओगे तो देख पाओगे। इधर से आप देखोगे तो दे हैव ए ट्रांसपेरेंट फ्लाई शीट ट्रांसपेरेंट शीट काइंड ऑफ थिंग जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। थोड़ा इस तरफ आ जाओ तो आप मेरे साथ साइड में आ जाओ तो यहाँ पे दे हैव और पासिंग हियर दे हैव दिस थिंग। तो ये भी काफ़ी यूजफुल एक फीचर है हर एक टेंट में ही रहता है। यहाँ पे इन लोगों ने अगर हवा कम चाहिए हो तो दे हैव प्रोवाइडेड ए वेलक्रो ऑल्सो। वेलक्रो से आप इसको बंद भी करके रख सकते हो। नाइस लिटिल निफ्टी फीचर। इस तरफ भी अगर आप आओगे तो सेम एक ईयर पॉकेट है हवा पास करने के लिए। और इधर ये वाले टेंट में सिर्फ एक ही। सो दैट्स अबाउट द टेंट पूरा सेटअप। बाहर से दूर से देख के तो आपको पता चल ही गया होगा मेरा साइज के हिसाब से आई एम ए 5'7" गाय तो मेरे साइज के हिसाब से ये टेंट का साइज कितना बड़ा है ये तो आपको दूर से देख के पता चल गया होगा। नाउ लेट्स गो इनटू द टेंट। तो टेंट के अंदर जाने के लिए देयर आर ए फ्यू वेलक्रो थिंगीज। ये स्टिचेस थोड़ी बहुत मजबूत कर सकता था वाइट ग्राफ्ट। आओ पास से देख लो ये जो वेलक्रो स्टिच हुआ है ना हाफ पोर्शन ऑफ द वेलक्रो हैज बीन स्टिच्ड द रेस्ट हाफ हैज बीन केप्ट ओपन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करता है इन लॉन्ग लास्टिंग फॉर द टेंट टू बी लॉन्ग लास्टिंग। इधर भी और एक सिमिलर दिख है
And when you are not sleeping, you can obviously roll this up. So if you roll karo, andar lagane ki kya hoga? You can definitely tie them with the threads provided inside. लेकिन वो करने में काफी टाइम लगता है. टेंट का लुक्स के हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. चलो अंदर चलते हैं. अभी मेन पोर्शन ऑफ द टेंट स्पेस देखो यार, मतलब इट्स लाइक आई कैन रोल इनसाइड. वाओ मैन, देयर इज सो मच स्पेस, देयर इज सो मच स्पेस. मतलब मेरे सोने के बाद अब देखो कितना सा स्पेस है. मेरे सोने के बाद अब देखो कितना सा स्पेस है. आई मीन वो पीपल तो यार आराम से इस टेंट में आराम से रह जाएगा. अब आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ. अब आपको दिखाते हैं. आप भी आ जाओ मैडम अंदर. आ जाते हैं. तो पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं, अंदर से आपको हम टेंट दिखा देते हैं. और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वाइल्डक्राफ्ट का ये जो जिपर्स की क्वालिटी है ये थोड़ी सी बेटर. YKK की जिपर्स होता तो और लॉन्ग लास्टिंग होता. डेफिनेटली क्वालिटी वाइज मैं हमेशा बोलूंगा डेकाथलॉन डज ए बेटर जॉब अप टिल नाउ. बट देन ये जो प्राइस पॉइंट में हमें मिला 4% 10, नो वन वाज गोइंग टू प्रोवाइड अस विद दैट. और वैसे भी हम लोग तो कैंपिंग हर दिन नहीं करते ना, कभी कभार कैंपिंग करते. तो इस रीजन की वजह से दिस इज क्वाइट ए गुड टेंट एट द प्राइस पॉइंट. अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपए प्राइस लिया और 4% चार लोगों की सोने की जगह है. कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट टेंट है. तो ये हो गया टेंट का. टेंट का हाइट अगर आप देखोगे तो आई कैन स्टैंड क्वाइट लाइक दिस. मतलब मैं पूरा ऐसे खड़ा हो गया. आई मीन चेंजिंग योर क्लोथ्स कैन बी इजियर जॉब. इसका हाइट देखोगे तो काफी हाइट है इसका. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे पॉकेट्स दिया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5 5 पॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे, विच इज अनदर वेरी गुड थिंग. ये तो ईयर होल, ईयर का वेंट, हवा का वेंट हो ही गया यहाँ पे. आप पूरा भी खोल सकते हो. हवा का यहाँ से नहीं खोल सकते, वो बाहर से खोल, बाहर से पूरा बाहर से खोल के कुछ लगा के रखना पड़ेगा ताकि हवा ज्यादा आए. यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एयर के लिए ये भी सिस्टम दिया हुआ है, सो दैट इवन इफ यू आर स्लीपिंग आप इसको खोल दिए और गर्मी के मौसम में नेट दिया हुआ है. यू कैन हैव सम हवा वगैरह आ सकता है. यू कैन ऑलवेज फोल्ड इट लाइक दैट. और कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हो तो यू कैन जिप इट अप लाइक दिस. कपड़े चेंज करने के लिए यू कैन जिप इट अप एंड पुल इट अप लाइक दिस. और चाहिए तो हमेशा खुला रखना है तो यू कैन रोल इट डाउन लाइक दिस. और यहाँ बहुत ही ईजी सिस्टम दिया हुआ है, बटन वाला जो रहता है, जस्ट पुश इट अप लाइक दैट एंड इट्स डन. ठीक है, तो टेंट तो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा. For the price point that I got it, I'm definitely going to keep this Wildcraft tent and sell off the Alpinas 2 Plus tent. Wo tent is good enough for 2 persons with luggage, but then this is better, this is yet better. I mean, अगले ट्रिप में मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ भी जाने वाला है. माई वाइफ एंड माई ब्रदर इन लॉ आर ऑल्सो गोइंग टू गो अलॉन्ग ऑन आर कैंपिंग ट्रिप. सो इसीलिए मैंने इस बड़ा साइज का टेंट. ओके, सो ये देख लिया आपने टेंट अंदर से. अभी बाहर से इसको रोल करने के बाद कैसा दिखता है. वैसे यूटिलिटी वाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेंट्स दैट आई हैव सीन. क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये शेड भी दिया हुआ है, आप जूतों वगैरह क्योंकि फिर शूज एंड लगेज यहाँ पे थोड़े बहुत रखते हो तो भी नो इश्यूज एट ऑल. बारिश में भी प्रोटेक्शन देगा, बारिश में भी काफी प्रोटेक्शन देगा. दैट्स अबाउट इट. खोलने के बाद दिस इज हाउ द टेंट लुक्स एंड इट इज एक्चुअली मोर देन ए 4% टेंट, मैं तो ये कहूंगा. दैट्स इट गाइज. अभी विंटर्स तो नाम से चल रहा है कोलकाता में, वैसे गर्मी काफ़ी है यहाँ पे. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस टोटल रिव्यू. कुछ मिस हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू विद दैट. और इस टेंट को परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है, गो अहेड एंड परचेज इट. बिकॉज अगर आप दो लोग भी जाते हो ना, आई वुड सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द अर्पणा टेंट परचेज दिस वन, क्योंकि अंदर काफ़ी सारा जगह मिलता है. तो yeah, going by that, everything is fine. और पैक करके होता है करीबन द वॉल्यूम आफ्टर इट दिस टेंट इज कम्प्लीटली पैक इज इक्वल टू दैट अर्पणास टेंट. देन वाई नॉट गेट दिस अर्पणास टेंट. पता है अर्पणास 2 प्लस थोड़ी सी सस्ता है, बट देन गिवन द स्पेस एंड गिवन द अमाउंट स्पेस एंड फीचर्स दैट यू गेट इन दिस टेंट, दैट इज प्रिटी बिग, प्रिटी बेटर देन
what the Arpanas Quechua 2 Plus provides. That's about it, guys. I hope you like this video. If you like this video and this review, do not forget to hit the thumbs up button. And if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching. पैकिंग तो हमने कर लिया, लेकिन इसको पैक करना थोड़ी बहुत टफ है। हाथों का हालत देखो, कांट डू एनीथिंग, आई मीन दिस प्लेस इज डर्टी मैन, है ना। तो पैकिंग का नियम सब सेम ही है, क्वेचुआ जैसे पैक करते हो, जैसे आपने देखे हो, सब कुछ सेम ही है। इसके ऊपर टेंट कैसे जल्दी से पैक करना है, अनपैक करना है, अगर आप वीडियो बनाने को बोलो तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दिस इज क्वाइट ए हेफ्टी टास्क टू डू। एनीवेज, पैकिंग हो गया, वीडियो इज डन, बाय बाय।